नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी को काम करने के लिए हमारे को आवश्यकता होती है उनके इंस्ट्रूमेंट्स की, और ज्योमेट्री करने के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उनके बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है और उनके उपयोग के बारे में हमारे को पता होना चाहिए। तो आज ज्योमेट्री के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी से, उनके नाम क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्केल से। ये हमारे पास स्केल है जिसमें एक तरफ INC लिखा हुआ है। INC का मतलब इंचेस होता है, और INCs आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रहता है उसमें इंचेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंचेस होते हैं, और 1 इंच में 8 सूत होते हैं। जबकि दूसरी साइड हम चेंज करते हैं तो चेंज करने पे हमारे को इसमें CM लिखा हुआ होता है। CM का मतलब होता है सेंटीमीटर्स, और सेंटीमीटर्स हमारे जो आपके जो स्केल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है उसमें 15 होते हैं, और ये 15 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर का जो हमारे पास यहाँ छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं ये मिलीमीटर्स हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर का आधा फुट होता है, और 15 और 15 ये हमारे पास पूरा फुट हो जाता है। तो 1 फुट हमारे पास होता है 30 सेंटीमीटर का और 12 इंचेस का। 12 इंचेस, 6 और 6, 12 इंचेस। तो ये हमारे पास आ जाता है स्केल। इस स्केल से हम क्या क्या काम कर सकते हैं? इससे हम लंबाई नाप सकते हैं 1, 2, 3, 4 करके, इस ऊंचाई भी नाप सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई का हम इससे जो मेजरमेंट होती है लंबाई दूरी वो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इस रे इससे हम स्ट्रेट रेखाएं खींच सकते हैं, खड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं, जो भी स्ट्रेट रेखाएं हो वो हम इससे खींच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवाइडर। डिवाइडर इसको ध्यान से देखेंगे, इसके दोनों तरफ नोक है लगी हुई, और इस नोक का हमारे को ये फायदा होता है कि अगर हमने कहीं मार्किंग करनी है, बराबर मार्किंग करनी है, तो हम इसको स्पेसिफिक साइज के अनुसार इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं जितनी हमारे को जरूरत होती है, और उसके बाद हम मार्क कर सकते हैं, मार्क करने के लिए जितनी हम मार्किंग चाहे कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे दो बराबर भाग करने हो तो उसके लिए भी हम डिवाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिवाइडर का इस्तेमाल है जिसमें दोनों तरफ नोक होती है। उसके बाद आता है हमारे पास ये है कंपस, इसको प्रकार भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल हम कोण बनाने के लिए करते हैं और सर्कल बनाने के लिए करते हैं। सभी के सभी कोण हमारे प्रकार से नहीं बनते, तो उसके लिए हमारे को आवश्यकता होती है डी की, और ये डी है हमारे पास, इसको प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। प्रोटेक्टर में 0 से लेकर 180 तक हमारे पास डिग्रीज होती हैं, पर हम 180 से भी 360 डिग्री तक बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये 0 से लेकर 180 तक ये लाइन बता रही है, पर हम इसको अगर वर्टिकल रख देते हैं तो ये हमारे पास 0 से लेकर 180 यानी 180 से लेकर 360 डिग्री भी बताती है। तो हमारे पास अगर हमने कोण नापना हो तो हम भी तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको ये सेंटर 90 वाली लाइन होती है, इसके सेंटर को हमारे को कोण बिंदु पे रखा जाता है जहां दोनों रेखाएं मिलती हैं, और 0 वाली बिंदी को जो ये लाइन है उसके नीचे रख दिया जाता है, और उसके बाद काउंटिंग शुरू की जाती है। जितने 0, 10, 20, 30, 40, 50 जितने का हमारे पास डिग्री का कोण है वहां पे हमारे को नाप लिया जाता है। ये हमारे पास 50 का रहा है तो ये 50 डिग्री का कोण है। तो अगर हमने कोई कोण भी बनाना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, नापना है तब भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आते हैं हमारे पास सेट स्क्वेयर। ये सेट होता है दो त्रिभुजों का, त्रिभुज जैसे देख रहे हैं, मैंने इन दोनों को ड्रॉ कर लिया, पहले ही ड्रॉ करके रखा हुआ है ताकि हमारा समय बच सके। ये देखिए ये दो त्रिभुजें हैं, और ये त्रिभुजें कैसी है? समकोण त्रिभुजें, क्योंकि इसमें दोनों ही त्रिभुजों में समकोण बनता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। इससे भी देख सकते हैं ये 90 डिग्री का कोण है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये 90 का कोण है और ये भी 90 का कोण है। दोनों त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, हम इसको डिवाइडर से नाप के देख लेते हैं, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। अगर त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो हमारे पास क्या होता है, दो कोण भी बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास नाप लेते हैं कितने का ये कोण है। कोण को नापने के लिए वही मेथड हमारे पास, कोण बिंदु पे रखिए और साथ में 0 को नीचे जाइए।
जीरो दस बीस, जहां जीरो होगी वहीं से स्टार्ट करना है, जीरो दस बीस तीस चालीस और 50 के बीच में 45, ये हमारे पास आ जाएगा 45, 45 डिग्री। तो उसी तरह से अगर हमने ये वाला कोण भी मापना है तो हमारे को इसको कोण बिंदु के ऊपर हमारा सेंटर रखना पड़ेगा, ये कोण बिंदु था सेंटर रख दिया इसका डी का सेंटर, और हमारे पास जीरो से स्टार्ट करना है, 180 से स्टार्ट नहीं करेंगे, जहां जीरो जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, जहां रेखा होती है वहां जीरो स्टार्ट होता है, जीरो दस बीस तीस चालीस पचास साठ, सॉरी 50 और 40 के बीच में ये 45 डिग्री का कोण ये हमारे पास आ गया, ये 45 डिग्री है। कहने का मतलब दोनों कोण बराबर होंगे, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 135 प्लस 45 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी त्रिभुज है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें हमारे को देखने से पता चल रहा है कि एक छोटी भुजा है और एक बड़ी है भुजा, अगर छोटी बड़ी भुजाएं हैं तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी छोटे और बड़े होंगे, तो हम इसको नाप लेते हैं, नापने से हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए ध्यान से देखिए कोण बिंदु पे हमने रख दिया है, जीरो के ऊपर है, जीरो दस बीस तीस चालीस पचास, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का कोण आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ऊपर वाले को भी नाप लेते हैं, जीरो दस बीस और ये 30 डिग्री का कोण हमारे पास ऊपर वाला है, ये हमारे पास 30, 90 प्लस 60 150 प्लस 30 हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग होता है हमारे पास त्रिभुज के 180 डिग्री, ये हमारे पास 180 डिग्री। और इसके अलावा हमारे पास ये जो सेट स्क्वायर होते हैं इनका जो इस्तेमाल होता है वो अगर आर्किटेक्ट बनना है या इंजीनियर बनना है, जेई बनना है, तो आपको इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल में भी आपके पास वैसे स्केलें सिखाई जाती हैं, उसमें इन सेट स्क्वायर का बहुत ही जरूरी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे इनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पास सेट स्क्वायर है, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइन में खींचने के काम आता है, तो हमारे पास जैसे ये पैरेलल लाइन है यहां पे रख दिया जाता है, इसके साथ दूसरी स्केल या फिर सेट स्क्वायर रख दिया जाता है, जहां भी हमने पैरेलल लाइन खींचती है यहां खींचती है तो यहां भी लगा सकते हैं, पर इसको सटा के रखना होता है, और ये इस तरह से यहां जहां पे हमारे को लाइन चाहिए वो हमारे पास पैरेलल लाइन आ जाती है। पैरेलल लाइन का मतलब होता है इनके बीच में जो दूरी है वो समानांतर है, यहां पे देखिए गैप समान है, यहां भी समान है, यहां भी समान है और यहां पे भी समान है, तो इनके जो बीच का गैप है बराबर है, वो सेट स्क्वायर से लाना लेना आसान होता है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है पेंसिल, पेंसिल का इस्तेमाल हम ड्रॉ करने के लिए करते हैं, ये व्हाइट बोर्ड है पर हम कॉपी के ऊपर जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो कहीं तो हम उसको क्या पेंसिल से ड्राइंग करते हैं, तो ये पेंसिल होती है HB की होती है आमतौर पे, तो अगर इसमें गलती हो जाती है हमारे से कोई तो उसके लिए हमारे पास इरेजर होता है जो इसको गलती को मिटाने को, पेंसिल की हुई गलती के लिए मिटाने के लिए हमारे पास इरेजर होता है। अगर ये पेंसिल हमारे पास आगे से घिस के मोटी हो जाती है, इसको तेज करने के लिए या बलंड हो जाए टूट जाती है, तो हम इसको तेज करने के लिए शार्पनर का इस्तेमाल करते हैं, ये शार्पनर होता है जो हमारे पास लास्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है ज्योमेट्री बॉक्स में। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जैसे मेरा वीडियो मिले, वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।